अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस तीसरे सबक में मैं आपको इंग्लिश प्रोनंसिएशन यानी कि अंग्रेज़ी का तलफ़ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लिहाज से कि जो बच्चे जिन्होंने कभी अंग्रेज़ी को पढ़ा नहीं, जो अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो सबसे पहले अंग्रेज़ी की रीडिंग करना सीखे ताकि फिर उनको अंग्रेज़ी जल्दी समझ में आएगी। तो जिस तरह हम कारी साहब हमें जब कुरान पाक पढ़ने जाते हैं तो पहले हमें तलफ़ सिखाते हैं, तो फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनके जोड़ करते हैं और फिर कुरान पाक का जो नारा है वो सही तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह अगर आपने अंग्रेज़ी सीखनी है तो पहले ये तलफ़ का ठीक करें, जोड़ कर ठीक है मिलाना सीखें, अल्फाज को पढ़ना सीखें, उसके बाद आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के दौरान एक मुश्किल मरहला प्रोनंसिएशन का होता है, ठीक है। और प्रोनंसिएशन यानी कि तलफ़, ये मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ साथ साथ, ज़रा गौर से देखिएगा। ज़ैल की सतरों में इसके तल्लक से कुछ कवायद जो मैं नीचे बयान करने जा रहा हूँ उनको ज़रा देखिएगा, जिनकी रोशनी में सही तलफ़ का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊँगा वाउल के तलफ़ की जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये दोनों इनको ज़रा समझें, ये वाउल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम मुतालिया करेंगे। और पहले मैं पढ़ाऊँगा वाउल। चलें जी चलते हैं ज़रा। अब नीचे देखें प्रोनंसिएशन ऑफ वाउल्स, ठीक है, जिनको हम हरूफ इल्लत का तलफ़ कहते हैं। एक ही आवाज़ कभी ए आती है, ठीक है, जैसे एट ए, देखें लैट एंड मैन, ठीक है। इनको आप जब मैं सर्कल भी कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करें और समझें इन मसालों से, ठीक है, आगे मीनिंग भी लिखा होगा। नंबर दो, कभी एक ही आवाज़ क्या आती है जनाब, कभी एक ही आवाज़ हमें आती है अलमदया की, ठीक है, जैसे वोल वोर ओल स्टोर। अब तीनों में आप देखें क्या है कि अलमदया की आवाज़ दी जा रही है। इन मसालों को बेटा आप गौर से देखें, मैं ऊपर सर्कल भी खा रहा हूँ, बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए रीडिंग करना। अब नंबर तीन पर देखें, एक ही आवाज़ एक ही आती है, जैसे शेर, देखें ये लफ्ज़ देखें शेर, उसके बाद दूसरा देखें केयर फेर और उसके बाद डेर, ठीक है। इनको आप देखें गौर से, ठीक है जी, इनके अंदर सारी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली एक ही आवाज़ आ रही है, फेर डेर, हिम्मत करना। नंबर चार आगे आ जाए जनाब, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। नंबर चार पे ए के बाद आई या वाई हो तो एक ही आवाज़ ए आती है, देखें अगर ए के बाद आई या वाई आए तो एक ही आवाज़ फिर भी किसकी आती है, ए के बाद। उसे थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, बस ये वाला पॉइंट माइंड में रखें, खींच कर पढ़ना, मतलब वे, देखें ए के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पर ज़रा गौर करें वाई आया हुआ है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे वे, पी ए वाई, यहाँ भी वाई आया हुआ पे। अब आगे वाले में देखें ज़रा, ए के बाद क्या आया हुआ है आई, तो इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे, जैसे बीच में आई मेन बी आर ए आई एन ब्रेन। तो ये चीज़ें बेटा देखो गौर करने वाली हैं, इनको आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह जल्द अंग्रेज़ी का तलफ़ आपका अच्छा हो जाएगा। और आगे आपका आ गया, ठीक है, ई का तलफ़। ई के तलफ़ में क्या होता है, ई के तलफ़ में कभी एक ही आवाज़ आती है, जैसे देखें एन ई टी नेट देन, ठीक है। इन दो मिसालों को माइंड में बिठाएं, फिर आगे देखें वैन लेग। अब चारों के चारों एग्ज़ाम्पल में आपको आवाज़ जो आ रही है ना वो ए, ठीक है, ने देन वैन लेग। अब आगे देखें कि यहाँ पे कभी ई की आवाज़, कभी ई की आवाज़ आती है, ये दूसरा पॉइंट है ई की, ई मतलब जैसे वी शी, ठीक है, बी ही। ये मिसाल ही बड़े मज़े के हैं बेटा, मिसालों से आपको ज़्यादा समय लगेगा, ये मिसालें समझिए आप, ये मैं सर्कल भी कर रहा हूँ। अब आगे नेक्स्ट है, कभी डबल ई की आवाज़ आती है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, डबल ई की,
डबल ई हो तो इसके बाद खींच कर ई की पढ़ते, सॉरी सॉरी डबल ई हो तो इसके बाद खींच कर ई की बात पढ़ते हैं। मसलन वीप स्लीप, ये देखिए खींच के पढ़ा हमने, सी बी, ये मैं सर्कल भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है, इनको समझें, मीनिंग भी साथ साथ लिखे हुए हैं। अब आगे देखें नंबर फोर पे, ई ए एक साथ आए तो इसकी आवाज़ किसकी होती है, ई की आवाज़ होती है, जैसे सी, ये देखें ज़रा आगे हीट क्लीन, ई ए इकट्ठा हुआ मीट, ये मैं सर्कल भी कर देता हूँ सॉरी, ये देखें ज़रा इनको अंडरस्टैंड करें। अगला पॉइंट पाँचवा, ई किसी लफ्ज़ के आहर में आए तो इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, इस सिलसिले के चंद कह देती है, देखिएगा ज़रा, देखिए अगर आहर में आए तो इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, ये जो ई है अगर आहर पर आए तो इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर वन, अलफ इसका जो पहला कहता, अगर पहले ए आए यानी कि ई से पहले अगर ए आए तो फिर आर में ई हो तो ए की आवाज़ ए आती है और ई की आवाज़ खामोश हो जाती है, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, बात समझ लगी आपको, कि अगर ए आए पहले तो आहर में ई आए तो ए की आवाज़ ए आती है और ई की आवाज़ खामोश हो जाती है। जैसे देखें एग्जांपल्स, नेम सेम, जब देखें ई से पहले क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है ना, तो ई ने अपनी बात ख़त्म कर दी, साइलेंट हो गया, ठीक है, ये मिसालें हैं समझने वाली। आगे शेम, एस एच ए एम ई, अब यहाँ पे देखें ए आया हुआ है तो ए के बाद क्या है, ई, यानी कि ए पहले आया, और आगे नीचे हम लेम में देखें ए फिर ई, तो ई ने अपनी बात ख़त्म कर दी, शेम लेम। एग्जांपल पर गौर करें, आगे देखें जनाब, अगर पहले आई हो ओ फिर आहर में ई हो तो इसमें भी ई खामोश हो जाता है, खामोश मीन साइलेंट हो जाता है और आई की आवाज़ आती है। जैसे एग्जांपल देखें ज़रा, वाइफ, ठीक हो गया, पहले क्या आया हुआ है, आई, और आगे क्या आया हुआ है, ई, लाइन एल आई एन ई, देख लें आप, वाइट नाइन, ये बात समझें, इन एग्ज़ाम्पल के ऊपर गौर करें। दोबारा मैं बताता हूँ आपको फार्मूला, ये वाला, अगर पहले आई हो फिर आर में ई हो तो इसमें भी ई खामोश हो जाता है, ठीक है, और आई की आवाज़ आई की आती है, ये जो आई है इनको भी मैं सर्कल कर देता हूँ सॉरी, ये बच्चा समझने वाली बातें, बड़ी मज़े की रीडिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। नंबर जी, अगर पहले ओ हो और आर में ई, यानी कि पहले क्या हो ओ और आर में क्या हो ई, तो ओ की आवाज़ ओ से आती है और ई की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है, ओ की आवाज़ किसकी आएगी, ओ की, ये पॉइंट माइंड में रखो, तो ई की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं होगी, ठीक है जी। अब देख लें स्मोक, स्मोक में देख लें ओ आया हुआ है बाद में ई आया हुआ है तो ओ की आवाज़ आई ई की आवाज़ नहीं आई। जैसे जोक में देख लें, जोक नोज़ होप, ठीक है, हर एग्जांपल में ई ने अपनी आवाज़ खो दिया और ओ की आवाज़ ओ आई है। चले मैं ये सर्कल कर देता हूँ, समझें आप। उसके बाद अगर पहले यू हो फिर आहर में ई तो ई की कोई आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़ भी क्या होगा, वाओ और कभी यू होगा। जैसे पहले यू फिर क्या आह में ई तो ई की कोई आवाज़ नहीं होगी, सही है, और यू का तलफ़ भी या वाओ या कभी यू होगा, ये पॉइंट माइंड में बैठाएं, ये हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ। जैसे एग्जांपल में देख लें, जून, यू ने किसकी साउंड दी है, ऊ, जून, एंड पे ई आई ई की बात ख़त्म होगी, ट्यूब रूल ट्यून, ठीक है, मसाले देखें बस गौर करें।
आगे देखें जी नंबर सिक्स पे, ई डब्ल्यू एक साथ आए तो इसका तलफ़ यू होता है। ये बढ़िया बात है, जब भी ई डब्ल्यू इकट्ठा आए तो किसके तलफ होगा, यू का, मतलब सी यू ड्यू, ठीक है, इनको फॉलो करें, फ्यू न्यू, मज़े की बातें हैं। आगे जनाब देखें, आगे आपके पास आई का तलफ़, आई का तलफ़ कभी आई या आ होता है, सॉरी आई का तलफ़ कभी ई होता है, मतलब जब देखें किल इल, ठीक है, यानी कि नीचे अलिफ के नीचे ज़ेर पड़ी हुई है, इसका तलफ़ कभी इस तरह का होता है, गौर करें ज़रा, किल इल बिग शिप। आगे नंबर दो, आई की आवाज़ कभी आई आती है, जैसे काइंड माइंड माइक बाइंड, ठीक है, इन मिसालों को बच्चा आपने गौर करना है। चलो मैं ये दायरा कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। आगे जी, अगर आई के बाद जी एच हो तो इसकी आवाज़ आई आती है। देखो बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है ये भी, कि अगर आई के बाद क्या हो, जी एच, तो इसकी आवाज़ किसकी आएगी, आई की आवाज़ आएगी, और जी एच हमोश हो जाएगा। ये बड़ा मज़े का काम, जी एच की आवाज़ साइलेंट हो जाएगी, हमोश मीन साइलेंट। देखें एल आई जी एच टी, आई के बाद क्या आया हुआ है, ये देखें जी एच आया हुआ ना, तो जी एच की आवाज़ समोश हो गई, क्या लफ्ज़ बना, लाइट हाई नाइट राइट। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, गौर से समझिएगा ज़रा। अब आगे आ जाए जनाब, आई की आवाज़ कभी अलिफ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए, मतलब ये वाला, फॉलो करें इस चीज़ को, डर्ट क्या है, डर्ट, आप देख रही है वाला, फर्म बर्थ शर्ट, आवाज़ें बदल रही हैं और आप भी इंशाल्लाह समझ रहे हैं। नंबर पाँच, आई का तलफ़ कभी ए होता है, ये भी बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे एडमायर एडमायर फायर मायर टायर, ये देखें इनको फॉलो करें। अब आगे देखें, आई ई या ई आए एक साथ आएँ तो इसका तलफ़ ई हो जाता है, आई ई, ये दोनों अगर इकट्ठे आ जाएं तो इसका तलफ़ ई हो जाता है। चलो मैं थोड़ा रेज करता हूँ, इसका तलफ़ ई हो जाता है, मसलन ये देख लें, ए सी एच आए, ये आई आया हुआ क्या बन गया, चीफ, पी आई सी पीस। अच्छा यहाँ पे देखें ना, एन ई आई नीदर, डी सी आई वी डिसीव, ये देखें एग्जांपल, गौर करें ज़रा, ठीक है। अब आगे आ गया ओ का तलफ़, ओ का तलफ़ कभी ओ होता है, जैसे ओन नोट डॉट टॉप, ठीक है, ये फॉलो करें मज़े का, ओ की आवाज़ कभी ओ की आती है, मसलन ओपन, ये भी मज़े का, ओल्ड गोल्ड होम, ठीक है, ओ ऊपर था ओ, यहाँ पे ओ, दोनों में डिफरेंस है। अब आगे आ गया नीचे, ओ डब्ल्यू एक साथ आए तो इसकी आवाज़ ओ की आती है, मतलब शो, ठीक है, नो सो खड़ाओ, फॉलो करें भाई, इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखें। ओ डब्ल्यू की आवाज़ कभी आओ की आती है, मतलब हाओ, ये बड़ा मज़े का है, इसको समझें, कभी आए तो इसकी आवाज़ आता है आओ की आवाज़, हाओ नाओ खाओ बाओ, समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं बेटा, ध्यान से लेक्चर को अटेंड करें, बड़ी मेहनत की मैंने इसके पीछे। अब आगे देखें ज़रा नेक्स्ट, डबल ओ हो तो इसकी आवाज़ ओ होती है, मतलब ऊ
डबल ओ हो तो उसके बाद क्या इसकी होती है ऊ की, ये देखें ज़रा, मून, रोम, बोट, रोट। डबल ओ जब इकट्ठा आएगा तो ऊ की आवाज़ देगा। ओ यू एक साथ हो तो इसकी आवाज़ कभी अलमदा और कभी ओ की सी निकलती है, जैसे आवर। ओ यू अगर इकट्ठा आ जाए तो कभी इसकी आवाज़ किसकी होती है, ज़रा फॉलो करें, अलमदा की और कभी ओ की। अब ये देखिए ज़रा, एच ओ यू आर आवर, ओ यू आर आवर, सी ओ यू पी कोप। देखिए यहाँ पे ओ यू आया इसके बाद कोप, सोप। फॉलो करें बात को। बाकी सातवां पॉइंट देखें ज़रा, अगर ओ वाई की शक्ल में इसकी बात आए निकलती है, बड़ी मज़े की बात, ओ वाई की शक्ल में इसकी बात आए निकलती है, जैसे जॉय, ठीक है, बॉय, वाह जी वाह, टॉय, हॉय। अंडरस्टैंड करें बच्चों, मज़े के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है जी। अब आगे देखें पांचवा, यू का तलफ़ आ गया, यू की आवाज़ अलिफ ज़बर, अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए निकलती है, जैसे सी यू पी कप, अप, बट, हट। अब इनको समझें, ठीक हो गया। आगे आगे आ गया जनाब, यू की आवाज़ कभी ओ के निकलती है, सॉरी ओ नहीं ऊ, यू की आवाज़ कभी जैसे पुश, फुस, फुट, फुल। फॉलो करें ये सारे अल्फाज, जो बच्चे अंग्रेज़ी रीडिंग नहीं जानते उनको आज बहुत चीज़ें समझ लग जाएंगी। आगे नंबर तीन पे, यू की आवाज़ कभी यू की तरह निकलती है, ये भी मज़े का है। फॉलो करें ज़रा, मतलब ड्यूटी, ड्यू, प्योर, ये बड़े मज़े के हैं। श्योर, ठीक है, ड्यूरेबल। फॉलो करें बच्चों, बाकी आ गया वाई। पुरानी अंग्रेज़ी में बाउल की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसकी जगह आई इस्तेमाल किया जाता है, ताहम कभी कभी हरफ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे वाई के बाद कभी ई होती है, जैसे ब्यूटी, कभी इसके बाद आई सी, ठीक है, फेलोनी, पॉलिसी। आगे मीनिंग भी लिखे हुए सब लफ्ज़ों के, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मीनिंग भी आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, वोकैबुलरी में इजाफा भी कर सकते हैं। आगे आगे नंबर दो, वाई की आवाज़ कभी आए की आती है, ये भी मज़े का है, देखिए ज़रा, वाई की आवाज़ कभी आए की आती है, जैसे टाइफाइड, टाई, ठीक है, ये गौर करें, फाइड, टायर, टाइप, डायनामिक। फॉलो करें बच्चों इन लफाज को, बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट। आगे आ गई आपकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, प्रोनंसिएशन किसे कहते हैं, पहला सवाल ये होगा। नंबर दो, आपने सबक में किस किस प्रोनंसिएशन के बारे में मालूमात हासिल की है। नंबर तीन पे आप ये बताएंगे कि वाउल किसे कहते हैं और वो कितने हैं, इसकी क्या क्या आवाज़ें निकलती हैं। अब नेक्स्ट में आप देखें, प्रैक्टिकल लैंग्वेज लर्निंग सेंटर की तरफ से मैं आपको लेक्चर दे रहा था, ठीक है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन के ऊपर आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये नीचे लिखा हुआ है, आप मुझ पर रब्ता कर सकते हैं अगर कोई मसला हो तो। यूट्यूब चैनल नेम है PLLC ऑनलाइन। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अंग्रेज़ी घर बैठे सीखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।